दूध अगर आप नए फार्मर हैं जी जी, मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप दूध का काम करें, क्योंकि दूध का काम बहुत मुश्किल है जी जी। ये आप इसे बेच नहीं सकते जी जी पूरा साल। ठीक है, अब गर्मियों का मौसम है, अब आपके पास ग्राहक बहुत ज़्यादा आएंगे जी जी। आपको बहुत जुनून उठेगा कि मेरा दूध बहुत बिक रहा है जी जी, मैं भैंसें और ख़रीद लूँ जी जी। जैसे ही फरवरी तकरीबन इसका मंदा आ जाता है, नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाता है, फिर दूध की लागत बहुत कम होती है, फिर सेल में मुश्किल आती है। सेल होता ही नहीं है तो फिर किस तरह से मैनेज करते हैं वो आप? हम तो वैसे कई साल ये खाल है हमारे पास पानी वाला, इसमें गिराते रहे हैं दूध। अच्छा जी, ज़ाया भी होता था? ज़ाया होता था हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो हम डेयरी फार्म पे बनाएंगे, और डेयरी फार्म पे हम मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं। इसकी बिल्डिंग, इसकी जो ब्रीड है स्पेशली, वो बहुत ही अच्छी लगी है हमें, वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। ये ब्रीड इन्होंने कहाँ से ली और ये किस नस्ल की है, और इस फॉर्म को ये किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और जो न्यू वॉचर है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सारा ये 65 फुट लंबा है, आप 50 फुट चढ़ाइए। अच्छा, 65 फुट इसकी लंबाई और 50 फुट इसकी जो चढ़ाई है। हाँ जी, ये सेंटर वाला शेड 14 फुट का है जी जी, और ये साइड वाला ये 18 फुट। ठीक है, ये जो सेंटर वाला है, ये जो वर्किंग एरिया है जिस पे आपने चारा भी डालते हैं, काम वगैरह भी करते हैं, ये कितने फुट बता रहे हैं? 14 फुट। 14 फिट। और जो सेंटर में है, यानी जिसके ऊपर वो छत है, वो जहाँ पे वो खड़े होते हैं, 18 फिट है। और जो पीछे वॉकिंग एरिया वो खुला अपनी 70 फुट जितना मर्जी आप रख सकते हैं। लेकिन इसकी हम देख रहे हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है ना डेयरी फार्म की, वो और ही तरह से होती है। मतलब जो पहला जो आपका दूसरा है ना, जहाँ पे ये खड़े हैं, इसकी जो छत की जो लंबाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर ये जो वॉकिंग है इसकी लंबाई जो है ना, ये नहीं कि डेयरी फार्म की स्ट्रक्चर में आ जाता है। इसको बनाने में सारे आपका कितना खर्चा आ गया था? नॉर्मल, ये ज़्यादा खर्चा नहीं है इसका जी जी। पिलर ही है सिर्फ, तकरीबन 3.5 लाख का ये छत है टोटल। ठीक है, और बाकी 2.5 लाख लग गया होगा पिलरों पे। ठीक है, 2.5 और ये 3.5। ठीक है, अच्छा उस वक्त की बात है जब हमने बनाया था ये। ठीक है, ठीक होगा। अच्छा ये बताएं कि जो आपके पास बफलोज हैं, यानी कि भैंसें हैं, ये कौन सी नस्ल की हैं? अच्छी नस्ल की भैंसें हैं, बड़ी बड़ी भैंसें हैं हमारे पास। ये मैं चीचा वतनी से, लुटन से जी जी। ये देखें आप इधर जी जी, वो सामने भैंस खड़ी है जिसके ऊपर कौवा है, ये बहुत बड़ी भैंस है माशाल्लाह। उसके साथ वो भी देती है, वो साइड खड़ी है, वो गेट के पास जी। ये भी 17 देती है, ये खड़ी है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हैं 20 लीटर। हाँ जी, 20 लीटर। अच्छा ये बताएं कि जब हमें भैंस खरीदनी होती है तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? ज़ाहरी शक्ल अच्छी होनी चाहिए, इनका सींग देखना चाहिए, गोल कुंडा हो। ठीक है, और लंबाई जानवर की, हाँ जी, कद जी जी। और अगर आपने दूध वाला जानवर लेना, उसकी वेंस देखनी है आपने, वो क्या होती है? दूध वाली नाड़ें मोटी मोटी हों, दूर से नज़र आती हों। ठीक है, जैसे वो देखें उस भैंस की, वो इधर से नाड़ नज़र आ रही है वो आपको। हाँ, वो जो यानी कि जिस्म के वो जो नीचे पेट से नीचे वो बड़ी नाड़ होती है, वो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। मोटी होनी चाहिए, सही है, अच्छा देते हैं। अच्छा, इसके अलावा और जो क्योंकि मंडियों में बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं व्यापारी वगैरह, उनसे हम किस तरह से बच सकते हैं? आप सबसे पहले तो आप खुद खरीद करें, साथ को दोस्त को व्यापारी ना लेके जाएं, खुद जाना चाहिए, खुद जाना चाहिए। और जानवर सुआ हुआ लेना चाहिए, दूध चो के थान पास करके जी जी, हाँ जी, मुकम्मल तसल्ली करके फिर खरीदें। हमने ये भी देखा कि वो डक्का भी लगा देते हैं वो। आप ऐसे जानवर मत लेना जो ताज़ा नाड़ू आपको नज़र आ रहा हो कि अब सोया है, हाँ हाँ, मंडी में अब ब्याह है अभी, ठीक ठीक, वो खरीदना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप जो ताज़ा सुई है जिसने अभी नाड़ू भी नहीं फेंका हुआ, वो खरीदते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता? कोई फ्रॉड नहीं। वैसे जो इलम रखते हैं, जो जानते हैं, वो तो खरीद लेते हैं हर किस्म का जानवर, उन्हें पता होता है ये कब सुआ है, कब कितने माह हो गए इसे बच्चे दिए हुए। जो नाड़ी हैं वो एहतियात से खरीदें, वो उस वक्त खरीदें जब उसको पता है कि ये अब सो चुका है मेरे सामने, तब खरीद लें। अब थान पास कर लें, हवाना चेक कर लें, ठीक है, धार मार के चेक कर लें, उसके थान चारों चल रहे हैं जी जी। अच्छा, एक अच्छी नस्ल की जो है ऐसा दूध देने वाली, वो तकरीबन कितने की मिल जाती है?
रेट बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन वो जो भैंस खड़ी है गेट के सामने, वो मेरे ख्याल में वो 4 लाख। अच्छा सर जी, ये बताएं कि भैंस हमें किस सूए की खरीदनी चाहिए, पैलन खरीदनी चाहिए? बेहतर तो ये, वैसे मैं हमेशा पैलन ही खरीदता हूँ। पैलन खरीदता हूँ। हाँ जी ठीक है। अच्छा शाह जी, ये बता दें आप, आपकी जो रूटीन है, जो फार्म में आप इनको जो चारा वगैरह डाल रहे हैं, साइले डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं इनको, फीडिंग जो कर रहे हैं? हाँ, तकरीबन हम ज़्यादातर साइलेज इस्तेमाल करते हैं। साइलेज खुद बनाते हैं क्या? करते हैं अपना मक्की काश करते हैं। ठीक है, सामने मक्की है जी जी, दिखाते हैं आपको। ठीक ठीक। और साइलेज वाली मशीन है हमारे पास, साइलेज हम खुद बनाते हैं जी जी, और इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, साइलेज पे अच्छा रहता है या वैसे चारा वगैरह? अगर आप चारा काट के जानवर रखेंगे उससे बेहतर है आप जानवर ना रखें। अगर आपने जानवर रखने हैं, फार्म का शौक है, आपके पास साइलेज होना ज़रूरी है। ज़रूरी साइलेज नहीं होगा, लेबर आपको बहुत तंग करेगी जी जी, वो आप नहीं पूरा पहुंच सकते। अब हमारे पास माशाल्लाह तकरीबन 100 जानवर होंगे। 100 जानवर हैं तो 2 आदमी हमारे पास काम कर रहे हैं बेहतरीन। अगर यही साइलेज ना हो हमारे पास जी, फिर 8 बंदे भी काम है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। साइलेज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये बता रहे हैं कि आपकी लेबर काम है, क्योंकि डेयरी फार्म में जो प्रॉब्लम्स, बिग प्रॉब्लम्स में आता लेबर है, का लेबर का आता है जी, बिल्कुल। लेबर के बाद जानवर आपके साइलेज खाकर सेहतमंद होंगे, सेहतमंद दूध अच्छा देंगे जी जी, गोश्त अच्छा देंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ये बताएँ कि जो इनकी दूध की जो धुलाई है वो किस तरह से करते हैं? दूध धोते हैं जो, खुद धोते हैं या मिल्किंग मशीन है हमारे पास? अभी लगा है लड़का मिल्किंग करने। अच्छा, हमने ये तो शाह जी सुना है कि जो गायें हैं उन पे मिल्किंग मशीन तो लगाए देखा है अपना जी जी जी, आम है वो जी। लेकिन भैंसों में मिल्किंग मशीन कामयाब है? बेहतरीन कामयाब है। मैंने कहा जब मिल्किंग मशीन खरीदी थी ना जी जी, काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा ये भैंसें नहीं, भैंसों पर नहीं लगती, हमारा भी यही मानना है। तो लेकिन वैसे कंपनी है और दोस्त मेरे, उन्होंने कहा था भैंस की मिल्किंग करेगी ये जी। मैंने रिस्क के तौर पर ले ली थी, गाय की भी थी मेरे पास, गायें भी थी, मैंने अगर ना हुई मिल्किंग इनकी तो गायें की तो होगी जी जी। लेकिन माशाल्लाह ज़बरदस्त मिल्किंग करती है मशीन हमारे पास, अभी लगाता है लड़का जी जी। अच्छा, कर रहे ना जो मिल्किंग मशीन है वो एक मिल्किंग मशीन का कितने भैंसों का कर सकती है दूध उसकी? हमारे ये वैसे ज़्यादा से ज़्यादा भी मिल्किंग कर देती है 8-10 जानवरों की। वैसे हमारे पास छोटी है, 2 जानवर एक टाइम में, एक टाइम में 2 जानवर, 2 जानवर। अच्छा, एक अच्छी भैंस जो है आप कितनी देर, कितना अरसा अपने पास रही है, कितने सूवे अपने पास रखते हैं आप? हम नहीं बेचते वैसे, मेरे पास पैलने छोटी हैं सारी, ये मैंने पैलने ली थी और हम नहीं बेचते। मैंने जानवर तकरीबन शांति करके लिए हैं जी जी, सारा इलाका फिर के बिहाड़ी पूरे वाला आरफ वाला टोटल एक एक दो दो जानवर करके इकट्ठा किया, मैंने बेचता जानवर नहीं। ये कितनी देर तक ये दूध देने की इनकी कैपेसिटी होती है, ये सुबह कितनी देर तक देती हैं? ये 5-6 सुबह अच्छे दे जाते हैं, ठीक ख्याल है। 5-6 यानी कि अपने पास रखते हैं कम से कम। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि आप बता रहे हैं ना कि हम अपने पास ही रखते हैं जानवर, जो इनके जो बछड़ूर होते हैं, यानी कि जो जिनके जो बच्चे हैं जी जी, वो खुद अपने तैयार करते हैं या वो सेल वगैरह कर देते हैं? नहीं, हम अपने तैयार आए हैं, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारे घर की है कटी। ठीक है, ये आपके घर की? हाँ जी, ये भी घर की है जी जी, और उसके बाद ये भी घर की है जी जी, ये वो बड़ी भैंस खड़ी है वो वाली जी, कटी है ये माशाल्लाह, ये तैयार हो रही है, होगी नए दूध। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि आप कह रहे हैं नए दूध यानी करवाना ही है, तो वो अपनी अपना इनको छोटा रखो या डॉक्टर से इंजेक्शन? हमारे पास भैंसों में तकरीबन 2-3 झोटे हैं। ठीक है, यानी कि वो सामने बड़ा अपने आपके अपने ब्रीडर हैं? हाँ जी, उसके अलावा ये ब्रीडर है हमारे पास, ये 20 लीटर देती है ये वाला, ये हमने स्पेशल रखा हुआ, इसी में फिरता है। अच्छा, ये कौन सी नस्ल का? नस्ल कंफर्म नहीं, लेकिन अच्छी नस्ल का है। इसकी जो माँ है वो 20 लीटर दूध देती है। ये आई थी चीचा वतनी से भैंस, मैंने 5 लाख की खरीदी थी जी जी, उसका बच्चा ये पीछे से आया जी जी। हाँ जी, ये मैंने रख लिया ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। नहीं, इसकी जो डिसामद है वो भी बहुत अच्छी है, देखने में लग रहा है बच्चा अभी है, बच्चा सही है। ब्रीडिंग इन्हीं का आपके अपने ही ब्रीडर हैं? हाँ जी, डॉक्टर वगैरह का आप नहीं करते?
रशा जी, हमें ये बताएं कि जो आपके जानवर हैं इनकी जो औसत दूध देने की वो कितनी का है? 12 लीटर। 12 लीटर, माशाल्लाह। ये भी वो गेट खुल गया माशाल्लाह, ये भी बहुत ज़्यादा होती है तो एक डेयरी फार्म में, क्योंकि कुछ जानवर बहुत कम देते हैं, कुछ ज़्यादा देते हैं। अच्छा जी, दूध सेल करने के हवाले से थोड़ा सा बात कर दें। दूध अगर आप नए फार्मर हैं जी जी, मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप दूध का काम करें, क्योंकि दूध का काम बहुत मुश्किल है जी जी। ये आप इसे बेच नहीं सकते जी जी पूरा साल। ठीक है, अब गर्मियों का मौसम है, अब आपको के पास ग्राहक बहुत ज़्यादा आएंगे जी जी। आपको बहुत जुनून उठेगा कि मेरा दूध बहुत बिक रहा है जी जी, मैं भैंसें और ख़रीद लूँ जी जी। जैसे ही फरवरी तकरीबन इसका मंदा आ जाता है, नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाता है, फिर दूध की लागत बहुत कम होती है। फिर सेल में मुश्किल आती है? सेल होता ही नहीं है। तो फिर किस तरह से मैनेज करते हैं वो आप? हम तो वैसे कई साल ये खाल है हमारे पास पानी वाला, इसमें गिराते रहे हैं दूध। अच्छा जी, ज़ाया भी होता था? ज़ाया होता था हमारा। फिर काफ़ी देर से हम काम कर रहे हैं, फिर दूध ही कह रहा है बस मैं अभी आया हूँ, अभी आ रहा हूँ, आप इंतज़ार करें, दूध ख़राब हो जाना, दूध ज़ाया कर देना। फिर हमने तंग आकर शहर में फिर होम डिलीवरी शुरू की, एक दो दोस्तों घर गिफ्ट किया, उन्होंने दूध पसंद आया। ऐसा ऐसा हम तकरीबन अब टोटल दूध जो है ना होम डिलीवरी पर देते हैं, खुद दे रहे हैं, जाते हैं। हाँ जी, खुद सेल कर रहे हैं। तो मुश्किल काम नहीं है ये? मुश्किल तो है, हाँ जी मुश्किल तो है, लेकिन रेट कितने मिल जाते हैं सेल करने में? वैसे आम दूध आपको देता है 75-80 रुपए, हम बेच रहे हैं 110 रुपए किलो। आप खालस दे रहे होंगे? खालस, प्योर खालस भैंस का दूध 110 रुपए लीटर। माशाल्लाह, तो फिर वो प्रॉफिट भी तो है ना? अगर आप जबर अगर मेहनत है तो प्रॉफिट भी है बिल्कुल। अगर आप कहें कि दूधी आपसे दूध ले जाएगा, आप किसी दुकान वाले को दे देंगे और आप ये बिजनेस कर लेंगे, वो फेल हो जाएगा, नाकाम है। यानी कि दूध सेल की प्रॉब्लम है बिल्कुल, दुकानों का दूध लगना नहीं है, दुकान ने फार्मर से लेना नहीं है जी जी। दुकान के फ्रीजर भरे हुए हैं, दही बिक नहीं रहा। ये ऐसा मौसम आ जाता है, कब आता है भला? ये तकरीबन फरवरी से शुरू होता है जी जी। मार्च अप्रैल तक ये इतने महीने अगर एक दिन का दूध ना जाए, फार्मर का बेड़ा गर्क हो जाता है। सही सही, इतने माँ आप दूध को किधर मैनेज करोगे? वैसे हमारा जिम्मेदार है माशाल्लाह, हम बच्चे पालते हैं, हम ज़ाया नहीं होने देते, अगर होता है नुकसान हम बच्चों को भी ला देते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा भी नहीं है। जिस बच्चे का आपने दूध बंद किया हुआ है जी जी। अगर आप मंदा आ गया दूध का, आप दोबारा पिलाना शुरू कर दें, उसका फ़ायदा कोई फायदा नहीं होगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। ये तो बचपन से बच्चे को दूध पिलाते जाएं, एंड तक पिलाते जाएं, वो फ़ायदा होगा। ये तो बस नुकसान से बचने की एक सूरत है कि चलो बच्चे ने पी लिया, दिल को समझाने वाली बात। ठीक है जी, शाह जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी आपकी बातों को मद्देनजर रखेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। मेहरबानी, थैंक यू जी, तबेदार।